नमस्कार। खबर दिन भर में शाम 5 बजे की खबरों के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। वार्ड क्रमांक 16 के रहवासियों ने नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि इसके पहले भी वे SDM को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 16 के रहवासियों का कहना है कि सड़क उखड़ी पड़ी है, इसके बावजूद पीछे पानी का जमाव भी होता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार चेतावनी देने, बार बार आंदोलन करने के बावजूद वार्ड की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इसी बात को लेकर इन सभी लोगों ने मंगलवार को एक बार फिर से प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। CMO का कहना है कि वे जल्द ही वार्ड की समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिससे कि वार्ड वासियों को कोई भी परेशानी न हो। गौरतलब है कि इस बार वर्षा कम होने की वजह से अभी से जल संकट गहराने लगा है। कई जगहों पर यही हालात हो गए हैं कि लोगों को दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है और इसी बात को लेकर वार्डवासी काफी परेशान हैं। पानी की परेशानी, रोड की परेशानी, नालियों की परेशानी, और मेंबर कहता है कि हम एक एक बूंद खुलवा लेंगे आगे चल के। अगला साहब भी जाते हैं, इंजीनियर साहब भी जाते हैं, सभी कर्मचारी जाते हैं, सब देख देख के भागे आओ। हम लोग ऐसे ही रो रहे हैं, कछु सर नाली नहीं बनी है, कछु पहले भी दो अब भी दे रहा है और ऐसे ही रोज कर रहा है, कोई सुनाई नहीं है। सब अफसर देख आओ और भागे आओ। चाहिए कि जो वार्ड नंबर 16 है हमारे यहाँ का, बाकी सभी वार्डो से इस वार्ड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये मानिए कि ये जो वार्ड है वो बिल्कुल अनाथों की तरह जी रहा है। ना तो वार्ड के मेंबर को, ना नगर पालिका अध्यक्ष जी को, इसके अलावा जो अपने CMO साहब हैं और OCR साहब हैं, इनको कोई मतलब नहीं वार्ड से। पहले जो ज्ञापन दिया था तो जो समस्या आई थी सामने उनको हमने कम्प्लीट करा दिया था। उसके बाद में कुछ आज और समस्या लेके आए हैं, उनको हम मौके पर जा करके देखेंगे और जो जाए समस्या उनका सोचा। अब ये कल जाके देखेंगे तो क्यों आना पड़ा। अगर उनका काम नहीं है द्वारा दूसरा बता रहे हैं रोड बोर्ड का कुछ, तो अपन देख लेते हैं। शाम 5 बजे की खबर के लिए इतना ही। अगले घंटे एक बार फिर से होगी मुलाकात।